नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली वन लाइनेस फॉर एग्जाम्स 13 जून 2022 आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं सबसे पहला यूरोपियन यूनियन बैंड पेट्रोल एंड डीजल कार्स यूरोपियन यूनियन एन इफेक्टिव बैन ऑन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स प्रपोज किया है टू से तो टू से यूरोपियन यूनियन के अंदर फोसिल फ्यूअल पावर्ड वर्कर्स का सेल नहीं होगा ठीक है देखिए जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक वर्कर्स को इधर प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए इस तरह का स्ट्रिंजन मेसर्स अडोप्ट करना बहुत ही जरूरी है सारे कंट्रीज के लिए तो यूरोपियन यूनियन एक एग्जाम्पल सेट किया है इधर तो यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव ये प्रपोज किया है 2021 से अगर कंपेयर करोगे 2030 तक 55 परसेंट कट होनी चाहिए सी ओ टू एमिशंस में अभी के हिसाब से उनका टारगेट थर्टी सेवन परसेंट रिडक्शन है उसी को इंक्रीज करके फिफ्टी परसेंट कट करेंगे इस यू टू में ऐसा यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव ने प्रपोज किया है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स को बूस्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया है जिसके हिसाब से हर 60 किलोमीटर्स में पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल होगा 2025 तक और 3.5 मिलियन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस फॉर कार्स एंड इंस्टॉल होंगे 2030 तक तक और 2050 तक वो 16.3 मिलियन होगा अगला है यू एन जी ऑन रेसोलूशनिज्म मल्टीलिंग मतलब क्या है एक से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज करने का एक प्रोविजन है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेसोल्यूशन अडोप्ट किया है जिसे इंडिया स्पॉन्सर किया था ऑन मल्टीलिंगिज्म दैट मेन्शन द हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम तो हिंदी लैंग्वेज को सबसे पहली बार मेंशन किया जा रहा है तो आपसे यूनाइटेड नेशंस का जितने इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मैसेजेस वगैरह हिंदी में भी डिसमिनेट होगा ठीक है तो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू दूनाइटेड नेशन टी एस तिरुमूर्ति साहब ने बोला है मल्टीलिंगुअलिज्म को एस ए कोर वैल्यू ऑफ द दूनाइटेड नेशन है और इन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है सेक्रेटरी जनरल को फॉर प्रियोरिटेजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म वैसे दोस्तों यूएन का ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सा है छह ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अरबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश ये आप ध्यान दीजिएगा देखिए इंडिया यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस के साथ 2018 से पार्टनर कर रहा है दोस्तों और एक एक्स्ट्रा बजेटरी कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है बेसिकली हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा बजेटरी कंट्रीब्यूशन क्या है हर कंट्री Contributions देना पड़ता है यूनाइटेड नेशन को उसके अलावा इंडिया यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के साथ करके हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश किया जा रहा था तो आज पार्ट ऑफ दिस हिंदी एट यूएन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2018 में बेसिकली हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अगला है मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ यूएस ट्रेशरी यूएस ट्रेशरी डिपार्टमेंट उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स का करेंसी प्रैक्टिसेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और ये एक लिस्ट पब्लिश करते हैं दोस्तों तो ये लिस्ट में पहले से इंडिया था बेसिकली यूएस एस ट्रेसरी डिपार्टमेंट इंडिया की करेंसी प्रैक्टिस माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है उसमें भी इंडिया का नाम है अदर कंट्रीज़ कौन कौन सा देखे चाइना जापान साउथ कोरिया जर्मनी इटली मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड ताइवान वियतनाम मेक्सिको एक्सेट्रा वैसे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के करेंसी प्रैक्टिसेस को इसलिए मॉनिटर करते हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज अपने करेंसी को डी वैलुएट करते हैं डी वैल्यूएट करने से क्या होगा उस कंट्री से जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा होगा उस कंट्री की तरफ जो इम्पोर्ट्स है वो कम होगा जैसे चाइना ने यूएस के साथ किया था इसलिए जितने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना उनके करेंसी प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वैसे आपको पता होगा इंडिया और यूएस के बीच में अच्छा खासा ट्रेड होता है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और खास बात यह है इंडिया का ट्रेड सरप्लस है दोस्तों यूएस के साथ मतलब इंडिया यूएस की तरफ ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं और यूएस से कम इंपोर्ट करते हैं ठीक है थीके? तो ये यूएस को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो अभी उसी बात है इंडिया के करेंसी प्रैक्टिस को भी यूएस जो है मॉनिटर करेंगे उनके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के पास फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दोस्तों बिलियन डॉलर्स सबसे ज्यादा एक्सचेंज तो के पास है फिर फिर जापान स्विट्जरलैंड फोर्थ है चाएना. अगला है डीप एटमोस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन तो फुल फॉर्म से आपको पता चल गया होगा ये वीनस के बारे में स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा मिशन 2029 तक ऑपरेशन होंगे और ये वीनस का एटमॉस्फेयर को एंड सरफेस को एक्सप्लोर करेंगे ये पहला मिशन होगा दोस्तों वीनस के बारे में स्टडी करने के लिए बाई मीनस ऑफ बोथ फ्लाई फ्लाईबेज एंड क्या होता है फ्लाई फ्लाईबेज एंड फ्लाई डिस मतलब वीनस के पास से फ्लाई करके मतलब एकदम पास जाके स्टडी करेंगे डिसन मतलब डिसेंट होगा मतलब वीनस एटमॉस्फेयर में लैंड होगा सॉरी वीनस सरफेस में लैंड होगा स्पेसक्राफ्ट इज लाइकली टू एक्सप्लोर लेट वेनुशियन एटमोसफियर तो बेसिकली जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा वो वेन्यूशियन एटमोसफियर को एक्सप्लोर करेंगे वेनुशियन सर्फस तक ये पहुंचेंगे जून टू थाउजेंड थर्टी वन तक ठीक है तो टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन तक ये एटमोसफियर को स्टडी करेंगे टू थाउजेंड थर्टी वन तक वेन्यूशियन सर्फस पर लैंड करेंगे ठीक है और वीनस के बारे में मैक्सिमम डाटा ये कैप्चर करेंगे साइंटिस्ट तो नाइनटीन एटीज से वीनस के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहा है नाउ डाविन जी स्पेस क्राफ्ट विल सर्व आस ए फ्लाइंग केमिस्ट्री लैब तो देखिए अलग अलग एक्सपीरियंस वगैरह होता रहेगा इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो वीनस का एटमोसफियर एंड क्लाइमेट के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में करेंगे एंड वीनस में एक फीचर्स है दोस्तों टेसरे करके टेसरे मतलब अर्थ में जैसे कॉन्टिनेंट्स है ना वैसे वीनस में टेसरे है इसके बारे में भी स्टडी होगा तो टेसरे वीनस में है इसका मतलब यह है वीनस में भी प्लेट टेक्टोनिक्स होता होगा प्लेट टेक्टोनिक्स होता है ना इंडियन कॉन्टिनेंट्स में बेसिकली कॉन्टिनेंट्स जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो आपस में मूव करते हैं तो इसी तरह कुछ मूवमेंट वीनस में भी होता होगा फाइनल न्यूज आई एस एस एफ वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई एस एस एफ मतलब क्या होता है दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ये ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स इन राइफल पिस्टोल एंड शॉटगन का एक गवर्निंग बॉडी आप बोल सकते हो नाइनटीन में फाउंड हुआ था एज द इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन 1998 में नाम चेंज करके इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन कर दिया गया आज के हिसाब से आई 150 नेशनल शूटिंग फेडरेशन के साथ अफलिएट करते हैं फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अमेरिका एशिया यूरोप एंड ओशानिया तो आई एस एस एफ वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में टॉप पोजिशन में है दोस्तों साउथ कोरिया जिनके पास छः मेडल्स है थ्री गोल्ड एंड थ्री ब्रॉन्ज इंडिया सेकंड पोजीशन में पहुंच चुका है दोस्तों इंडिया के पास फाइव मेडल्स है टू गोल्ड एंड थ्री सिल्वर और ये इवेंट हुआ था अजरबैजान का कैपिटल बाकू में फाइनल मैच में इंडिया का स्वप्निल कुसले और आशी चोक्सी फिफ्टी मीटर राइफल कॉम्पिटिशन में यूक्रेन को हराया और इसलिए इंडिया को सेकेंड पोजिशन मिला है तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा लेक्चर लग डी एस एज सोशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.